बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा समय तक समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ता है। तो ऐसे कुछ बच्चे हैं क्या जो बेसिक बातें जिन्हें नहीं आती हैं वो 4 से 6 आ सकते हैं? हाँ तो क्या करें? ठीक है, तो आपको मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना है कि मैं बुधवार से 4 से 6 आऊंगा, मेरे लिए सीटें या व्यवस्था सीट की। मैं प्रयास करूंगा ऑनलाइन भी कर दूंगा, क्योंकि अभी कोई रिकॉर्डिंग करने वाला बंदा नहीं मिला जो मतलब, अब इनसे मेरा अभी सुबह सुबह का टाइप है। और कोई ऐसा बच्चा बच्ची हो जो रिकॉर्डिंग कर सकता हो अच्छे से और बदले में कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, तो वो भी मेरे से संपर्क करे, मोबाइल फोन करे, कुछ पैसे कमाना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा होशियार हो मोबाइल का ये का इसका। खैर, कल हम लोगों ने एक सवाल से समाप्ति की थी, तो एक लिखेंगे सवाल है। ₹4,000 का एक वर्ष 6 माह, ₹4,000 का एक वर्ष 6 माह का वार्षिक तथा अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है तो देखिए इस सवाल को मैं बताऊंगा, और अच्छी समस्या है। दूसरा, यहां से कई बार रेलवे एसएससी में सवाल बनते हैं, तो सवाल ध्यान से देखें क्या है। मैं दोबारा पढ़ता हूं आपके लिए। ₹4,000 का अर्थात मूलधन कितना है? एक वर्ष 6 माह का माने 1.5 साल हो गए, कितने हो गए का वार्षिक, अगर ब्याज वार्षिक दे है अथवा ब्याज अर्धवार्षिक दे है, तो उनके दोनों के चक्रवृद्धि ब्याजों का, यानी आपको वार्षिक दर से पहले क्या निकालना है ब्याज, फिर अर्धवार्षिक दर से ब्याज निकालना है। अच्छा बताओ, दोनों में ब्याज ज्यादा किसमें मिलेगा? हाफ ईयरली में। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्याज पर क्या लगता है तो ज्यादा हो जाता है, तो इसमें ज्यादा मिलेगा और इसमें, लेकिन वो नहीं, आपको उसका क्या निकालना है? अंतर। जबकि दर कितनी है तो बड़ा आसान है, क्या है? पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें वार्षिक दर का, फिर निकाल लें, फिर ज्यादा में क्या घटा दें, कम घटा दें। तो आइए करके देखते हैं। दर है 6%, तो आप देखिए मेरे को, अगर मैं पहले वार्षिक ब्याज निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, तो राशि 100 से 1 साल में क्या हो जाएगी, फिर आगे भी वार्षिक है तो 100 से क्या हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात आती है कि 100 × 100 तो कितना होता है, लेकिन एक बात है, आ जाओ बेटा जगह मिल जाएगी, हाँ सॉरी, कितने साल का है? तो कल मैंने सिखाया था समय परिमेय हो, तो 1 साल का तो 106 हो गया और 2 साल का 100 का 106 हो गया, लेकिन यहाँ पर तो हमें 1-2 साल का नहीं निकालना, कितने साल का निकालना, तो 6 माह का मतलब कितना हुआ, आधा साल, कितना हुआ, तो पूरे साल की दर कितनी है, 6%, तो आधे साल की क्या हो जाएगी, 3%, क्या हो जाएगी। तो आसान है, 10,000 और 106 × 103, तो यहाँ पे 106 और 103 का गुणा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो एक गुणा का नियम है, हालांकि मैंने बीजगणित में सिखाया होगा कि जैसे 106 है वो 100 से कितना ज्यादा है और 103 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, तो आप केवल इनका गुणा करें, 6 × 3 कितना,
और धन गुणे धन के वहां पे, और 106 को 3 से जोड़ दे कितना है, अथवा 103 को 6 से जोड़ दे कितना है। तो दरअसल ये हमेशा यूज होता है धन धन में, या ऋण ऋण में, या धन ऋण में भी यूज होता है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है वैदिक गणित का नियम है कि 109 00 होता है, ये क्या होता है, क्या होता है, और धन 18 या जो भी आ जाता है तो इसका गुणनफल ये हो जाता है। मतलब ध्यान रखना है ये 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा है किसका, तो यहाँ पर अगर दो अंक है तो एक्चुअली में यही उत्तर हो जाता है 109। अगर केवल एक अंक आए तो यहाँ 0, अगर 8 आता है केवल तो 8 नहीं लिखेंगे, 08 लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अगर यहाँ सपोज करो 118 आ जाता है तो फिर यहाँ पे इस एक को, ये एक को जो है वो किससे जुड़ेगा, फिर 9 से जुड़ेगा, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से सीख लिया। एक और गुणा करके देखते हैं, जैसे मैंने कहा 112 में 115 का गुणा करना है आसानी से, ठीक है ना, या मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ये तो गुणा का नियम है 100 के आसपास का, किसके आसपास का, दूसरा यही नियम है 1000 के आसपास का। तो सपोज करो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 1012 है और 1015 है, और इसका आपको आसानी से गुणा करना है। तो ध्यान ये रखना है जब 100 के आसपास का गुणा करेंगे तो यहाँ पर दो संख्याएं या दो जीरो ऊपर रख लेंगे, और 1000 के आसपास की संख्याओं का गुणा करेंगे तो यहाँ पे ऊपर, मतलब यहाँ पे दो होनी चाहिए, अगर 1000 के आसपास का है तो यहाँ पे 3 होनी चाहिए। तो फिलहाल ये कितना ज्यादा है 12, तो 12 को 12 ना लिखे, क्या लिखेंगे, और ये 15 ज्यादा है 15 को 0। अब आपको क्या करना है 15 और 12 का गुणा कर लेना है कितना आ जाए। अब चूंकि ये 1000 के आसपास का है, किसका है, तो यहाँ पे 3 अंक होने चाहिए, ठीक है ना। अगर 2 है तो 0 लिख लेंगे, जैसे केवल 18 होता तो 18 को क्या लिखते हैं, केवल 8 होता तो उसे क्या लिखते हैं। लेकिन अगर 4 अंक हैं तो चौथा अंक जो है इसमें जुड़ेगा, इसमें। फिलहाल मैं लिख के दिखाता हूं धन गुणे धन क्या हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, 1012 को 1015 से जोड़ देना है, अगर निशान है जोड़ का, तो 15 और 12 क्या हो गया, या 1015 को 12 से जोड़ देना है कितना हो गया। तो दरअसल यही उत्तर हो गया 1027180। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि 1027000 क्या होता है, मतलब पूरा सीखेंगे, क्या सीखेंगे, और धन 180 तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो वही आ जाएगा। अब ध्यान देना, अगर यहाँ 80 होता तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 8 होता तो 00 क्या हो जाता, यहाँ अगर 1280 होता तो जो 2 होता वो किससे जुड़ता, 1180 होता 7 से जुड़ता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप अगर 1000 के आसपास का है तो यहाँ 3 आ जाते हैं तो वही उत्तर हो जाता है, और 100 के आसपास का है तो यहाँ 2 अंक आ जाते हैं तो वही उत्तर। लेकिन अगर 2 नहीं आएंगे, 1 आएगा या 3 आएगा, या यहाँ 3 की जगह 4 आएंगे, तो थोड़ी असुविधा होती है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे, जैसे 1080 की जगह 1180 आ गया तो 1 किससे जुड़ जाएगा, 7 से। तो ये पूरा नियम है, तो इसको हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल ये तो आ गया होगा समझ में, आ गया कि हमने गुणा कर लिया तो ये उत्तर कितना आ गया, 106 का 103 से गुणा कर लिया तो 109 18 कितना आ गया। अब देखो ये ब्याज हमारा जो है वो इसका मतलब ये हुआ कि मूलधन 10,000 है तो अमाउंट कितना है 10,900। लेकिन आप गौर से देखिए कि मूलधन यहाँ पे कितना है 4,000। तो अच्छा रहेगा कि 10 हम पहले इसको 4 गुना कर लें, क्या कर लें, तो मैं इसमें दोनों साइड 4 का क्या करता हूँ, तो देखो अभी आ गया 40,000 कितना आ गया, और इसमें गुणा किया तो 4 8 32 हासिल 3, 4 1 9 4 3 7, 4 9 36 हासिल 3, 4 0 0 और 3 3 4 1 9। अगर ये 40,000 है तो 43,000 हो जाएगा, बट हमारा मूलधन कितना है, तो अब दोनों साइड में 10 का क्या देता हूँ, तो अब जानते हैं कि यहाँ 0 कट जाएगा और यहाँ क्या जाएगा, यानी आप सीख जाओगे कि 4,000 से ये 4,367 क्या हो जाएगा। अब फाइंड आउट कर दें चक्रवर्ती ब्याज, तो 4,000 का 4,300, यानी चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, ये कौन सा है वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज, कौन सा है वार्षिक। अब हम अर्धवार्षिक निकालेंगे, क्या निकालेंगे बट थोड़ी सी सवाल लंबा है तो आप आधा उतार लें, क्या उतार लें, क्योंकि मैं मिटाऊंगा, और ये गुणा का नियम आसान है, थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा सा बाद में समझ में आ जाएगा।
जब पूरी तरह से पढ़ेंगे गुणा में सरलीकरण में। तो मुझे लगता है उतार लिया होगा आपने। मैं चीजों को एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। अभी सवाल का उत्तर नहीं आया है। सवाल कह रहे हैं वार्षिक ब्याज और अर्धवार्षिक ब्याज का अंतर क्या है। तो पहले हम वार्षिक ब्याज निकालेंगे। देखिए दर 6% है, तो हमने रोल ऑफ पैटर्न बताया था, एक साल बाद राशि 100 से 106, दोबारा दूसरे साल का होता तो अगले 100 का 106 हो जाती है, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे यहाँ एक साल नहीं है, दो साल नहीं है, कितना है, 1.5 साल क्या है, और ब्याज तो वार्षिक दे है। तो पहले साल राशि 100 का 106 हो गई, लेकिन आगे पूरा दूसरा साल यूज नहीं हुआ, तो पूरे साल की दर कितनी, 6, तो आधे साल की कितनी, आधे 3। तो भाई 6 माह में आगे 106 नहीं होगा, 100 का कितना हो जाएगा। अब इनको गुणा करना आसान होता है, मैंने बताया कि गुणा का नियम है 106 गुणा 103, बड़ा आसान है। ये 100 से 6 ज्यादा, ये 100 से 3 ज्यादा, केवल इसका गुणा कर देते हैं, 6 3 इसको इसमें जोड़ देते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं। अगर 100 के आसपास यहाँ 2 अंक है तो दरअसल यही उत्तर होता है, क्या होता है। लेकिन ध्यान रखें इसका मोटा मतलब ये होता है 10900+18 या जो भी आ रहा हो। तो यानी अगर यहाँ 18 की जगह 8 है तो 08 लिखेंगे, 118 है तो फिर 1 किधर जुड़ जाएगा, 9 में किधर, लेकिन अभी इसका उत्तर यही आ रहा है। तो हमने कहा नॉर्मल गुणा कर लिया पैटर्न से, 100 गुणे 100 कितना हो गया, 10,000, कितना हो गया, 100 गुणे 100 कितना हो गया भाई, 10,000, और 106 गुणे 103 कितना हो गया, 10,918। लेकिन मूलधन 10,000 नहीं है, मूलधन कितना है, तो हमने कहा कि 4,000 होना चाहिए। तो 4,000 से अच्छा है कि पहले इसको हम 40,000 बना ले, दोनों साइड किसका गुणा कर ले, और फिर 40,000 को 4,000 बना ले। तो हमारा आ गया कि 4,000 से ये 4,367.2 हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 367। लेकिन अभी हमारा उत्तर नहीं आया, क्योंकि सवाल कह रहा है कि अंतर बताओ। तो अंतर के लिए अब हमें छमाही ब्याज निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा। तो छमाही ब्याज देय है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम ब्याज की गणना हर छमाही करेंगे, क्या करेंगे, यानी साल भर का पैटर्न नहीं बनेगा, 6-6 माह का पैटर्न बनेगा। जैसे कल हमने सवाल कराए थे 6 माह 3 माह के, तो 3-3 माह का पैटर्न बनाया था, अभी 6-6 माह का। तो पहले देखें 1.5 साल है, कितने साल है, तो अगर हम दर की बात करेंगे तो वार्षिक दर कितनी, 6, तो हाँ अगली छमाही में अगेन क्या हो जाएगी। अब देखिए ये 100 गुणे 100 गुणे 100, ये 6 जीरो आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे,
और 103 का या तो हम घन निकालें, क्या निकालें, तो घन का भी अपना एक लॉजिक है, घन निकालने का एक तरीका है, तो क्या तरीका है उसे सीख लेते हैं। या दूसरा काम हम ये कर सकते हैं, हम इसे याद रखेंगे कि जो हमारा वार्षिक दर से ब्याज आया है वो कितना है, ठीक है ना, 367.2, ठीक है ना। तो अब घन निकालने का तरीका देखो, ये भी वर्ग और घनमूल, वर्ग घन में या वर्गमूल घनमूल में पढ़ाएंगे। तो कहते हैं पहले तो हम सीखेंगे कोई भी दो अंकों की संख्या का घन निकालना है। जैसे हमने कहा 12 का घन निकालना है, किसका, 12 का। तो हम इसे a मानते हैं और इसे क्या मानते हैं, b। तो अगर घन निकालना है तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं a क्यूब, क्या लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं b क्यूब, और रास्ते में बीच में यहाँ लिखते हैं 3a² b, और यहाँ लिखते हैं 3ab, ठीक है ना। तो पहले a क्यूब लिख लेते हैं कितना है, और फिर b क्यूब लिख लेते हैं कितना है। अब ये 3a² b और 3ab² इनको याद नहीं करते, आइए इसमें हम पहले यहाँ से शुरू करेंगे, हम जो भी a है उसका वर्ग कर लेंगे, तो एक का वर्ग क्या होता है, और एक का गुणा b में कर देंगे, तो एक गुणे दो क्या होता है, तो ये आ गया ना a² b। तो हम इसकी आदत डाल लेते हैं, एक का स्क्वायर एक, एक गुणे दो दो। अब दो का गुणा किस में कर लेते हैं, ऊपर वाले तीन में, तो दो तिया क्या हो गया। अब देखो यहाँ 3ab² निकालना है, लेकिन हम ऐसे याद नहीं करते, बार बार इसको लिखते नहीं, हम पहले b² निकाल लेते हैं, तो b² निकालेंगे, दो दुना चार, और फिर b² का गुणा a में कर लेते हैं, दो दुना चार, चार एक नम, फिर चार गुणे तीन क्या लिख लेंगे, तो हो गया ना 3ab², हेलो, यानी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक का वर्ग एक, एक दुना दो, दो तिया आदत डालेंगे, दो दुनी चार, चार एक नम चार, चार तिया। अब क्या करना है, यहाँ देखना है इस संख्या में b में कितने अंक हैं। तो आपने देखा a में एक अंक है, a एक, और b में एक अंक है दो। तो कहते हैं अगर b में जितने भी अंक हो, अगर एक अंक है तो यहाँ से एक संख्या लेंगे, जैसे आठ है तो आठ का मतलब जीरो आठ होता है, तो आठ लेंगे, और यहाँ से भी एक संख्या लेंगे दो, और अगर कोई दूसरी या तीसरी संख्या बच रही है तो उसका उधर जोड़ कर देंगे, छह और एक कितना हो गया, और अब कुछ नहीं, कुछ बचेगा तो उसको उधर ऐड कर देंगे, कुछ नहीं ऐड करने को तो लिख लेंगे, तो कुल मिलाकर इसका घन क्या हो गया। अब थोड़ा सा बड़ी संख्या का घन निकालते हैं बिना इसको लिखे हुए, ठीक है ना, बड़ा आसान है। आइए अब मैं आपको 25 का घन निकाल के बताता हूँ, किसका, तो कुछ नहीं करना, आपको आदत डालनी है, आपने फार्मूले पे ध्यान नहीं देना, आदत अच्छी। तो पहले मेरे को दो का घन लिखना है कितना, फिर मेरे को पांच का घन लिखना है, पांच पंजे 25 पंजे कितना बेटा, 125। फिर हमें आदत डालनी, दो का वर्ग चार गुणे पांच 20, 20 गुणे तीन, वेरी गुड, पांच का वर्ग बेटा मुंह से बोले 25 दुना 50, 50 गुणे तीन 50 गुणे तीन 150। अब क्या करना है, देखना है बी में कितने अंक हैं, कितना, एक है, तो यहां से एक संख्या लेंगे कितना, बाकी को उधर जोड़ देंगे, 0, 2, 2, 5, 1, 6, यहां से भी एक अंक लेंगे, बाकी को उधर जोड़ देंगे, देखो आसान है ना, यहां से भी एक अंक लेंगे और बाकी को कहां जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, अब इधर खत्म हो गया। अरे समझ में आया क्या, लेकिन यही नहीं, देखो ये तो 11 से 99 काम करेगा, आप आगे की संख्याओं का भी घन निकाल सकते हैं, ये आगे। अच्छा अब हम निकालते हैं 105 का घन, क्या निकालते हैं, 105 का घन। अब अगर तीन संख्याओं का घन निकालना है तो उसके लिए हम दो तीन काम कर सकते हैं। एक काम तो ये कर सकते हैं, हम इसे a मान लें और इसे क्या मान लें, तो यहाँ हेलो इधर ध्यान देंगे, यहाँ b में एक अंक है, एक एक लेंगे, उत्तर यहां से भी आ जाएगा। दूसरा काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसे हम a को a मान लें और 0, 5 को क्या मान लें, लेकिन ध्यान दें अगर हम b में दो अंक लेते हैं तो हमें जो हम लास्ट में एक एक अंक ले रहे थे उसकी जगह हमें दो दो लेना है, क्या लेना है, तो काम सारा वही होगा, बस लास्ट में अंक कितने लेंगे, दो दो। तो एक वाला हम ऐसे हम दो वाला बताते हैं, एक का घन 0, 5 यानी 5 का घन, अब एक का स्क्वायर एक, एक पंजे पांच, और पांच दिया, अब पांच का वर्ग 25, 25 गुणे एक 25, और 25 गुणे तीन 75, ठीक है ना। अब हमने देखो बी में कितने अंक लिए हैं, दो, तो यहाँ से एक संख्या नहीं उठाएंगे, कितने उठाएंगे, और जो तीसरी अगर बचेगी तो उसे उधर जोड़ देंगे, नहीं बचेगी तो कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं बचा, इधर 15 आ जाएगा,
उधर एक आ गया लास्ट में तो उतार लेंगे। तो ये क्या आ गया भैया? 1,11,57,625। अब इसी पांच का स्क्वायर नहीं किया मैंने, फिर से चेक कर लेता हूँ। एक का घन एक, पांच का घन 125, एक का स्क्वायर एक, एक पंजे पांच, पांच तीन पंद्रह, पांच का और 25, 25 गुणे एक 25, 25 गुणे तीन सही तो है। फिर क्या ले लिया हमने 25, एक इधर जोड़ दिया क्या 76, फिर ये 15 लिख लिया, फिर क्या लिख लिया एक, ठीक है ना? पक्का कुछ कंफ्यूजन है? आप 105 का कैलकुलेटर में तीन बार गुणा करके देख लीजिए, यही आ रहा है तो सही होगा, ठीक है ना? तो ऐसा करके हम तीन संख्या या चार संख्याओं का भी घन निकाल सकते हैं। अब सपोज करो एक चार का सीखेंगे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि तीन बार गुणा करना पड़ेगा, हाँ इतना ज्यादा आता भी नहीं, लेकिन कई बार चीजें आ जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको 1008 का घन निकालना है, तो आप इसे ए मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे? अब ध्यान रखेंगे कि दो दो अंक लेंगे, क्या लेंगे? ठीक है, तो ये चलता रहता है, ठीक है ना? अब ज्यादा इसमें नहीं जाते, हमें तो क्या चाहिए 103 का चाहिए, किसका चाहिए? तो हम अच्छा रहेगा इसे ए मान ले और इसे क्या मान ले, तो एक का घन एक, तीन का घन 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 बेटा, है ना? क्योंकि घन का मतलब यहाँ कितनी बार गुणा है, तो हमने कहा ठीक है एक का स्क्वायर एक, एक तिया तीन और तीन तिया तीन का स्क्वायर नौ, नौ गुणे एक नौ, नौ तिया कितना? अब गौर से देखिए कितना आ गया 27, 27 और ध्यान दें 9, 9 लिया, 9 का मतलब क्या होता है? 09, ठीक है ना? और फिर क्या ले लिया? तो ये उत्तर आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर किसी ने 9 ले लिया, क्या ले लिया, तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्योंकि भैया दो दो लेने हैं, अगर यहाँ पर भी केवल 7 आ जाता तो फिर हम 07 लेते, क्या लेते? अब दो लेने हैं तो दो ही लेंगे, कितने लेंगे? फिर से ध्यान दे 27 27। अब यहाँ एक अंक है लेकिन देखो बाय साइड जीरो तो होता है, तो यहाँ से दो ही उठाएंगे, कितने उठाएंगे? तो दो दो चार और दो दो। अब यहाँ एक है तो इधर भी जीरो लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, तो यही इसका उत्तर आ गया। तो अब हमने कहा ये हो गया 109 27 27, कितना हो गया? तो कठिन नहीं है, आसान है 109। अच्छा लेकिन ये हमारा संख्या तो ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 4000 है, कितना है? तो देखो एक को चार बनाना आसान है, तो पहले हमने इसमें चार का क्या कर दिया, एक दो तीन चार पांच छह जीरो है, कितने जीरो? इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, तो 4 7 28 हासिल 2, 4 2 8 और 2 10 हासिल 1, 4 7 28 और 1 29 हासिल 2, 4 2 8 8 और 2 10 हासिल 1, 4 6 36 और 1 37 हासिल 3, 4 0 0 और 3 3 और 4 एक करना। अब मेरे को 4000 चाहिए, तो मैं इधर हजार का क्या लगाऊंगा? भाग लगाऊंगा, किसका? तो इधर भी हजार का भाग लग जाएगा, यानी ये हो गया 4000 से 4370.9, यानी हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ गया 370.908। लेकिन ये कैसा ब्याज आया? छमाही दे, कैसा आया? लेकिन अभी भी देखो हमारा आंसर नहीं आया है, ठीक है ना? क्योंकि आंसर क्या पूछा है? दोनों का अंतर क्या पूछा है? तो पहले आप उतार ले, क्या उतार ले? हाँ थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो पहले हमने बेसिक समझा, फिर हम इसको छोटा करने का प्रयास करेंगे, क्या करेंगे? और भी टेक्निक है इसको करने की। Okay.
तो जैसा कि आपने जाना, अभी हमारे सवाल का आंसर नहीं आया है, क्योंकि देखो सवाल में चक्रवर्ती व्यय, वार्षिक और छमाही नहीं पूछा था, उसे अंतर पूछा था। तो जाहिर सी बात है, अगर हम थोड़ा सा पैटर्न से लगाते हैं तो हमें छमाही ब्याज भी निकालना है और सालाना ब्याज भी निकालना है। तो पहले हम आंसर लाते हैं, तो इसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ये तो उतारा तो मिटा दिया, अब दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि गुणा और वर्ग निकालना ये अलग बातें हैं। अलग इसको चार की जगह मैं वार्षिक ही लेता हूँ, क्या लेता? मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो दर क्या है, 6% वार्षिक, तो इसका मतलब छमाही कितनी है, और समय कितना है 1.5 साल, इसका मतलब कितनी छमाही है, तो 3 छमाही है। तो पैटर्न हमें कैसे बनाने पड़ेंगे, छमाही कैसे बनाने पड़ेंगे, तो एक छमाही बाद 100 का 103, अगली छमाही बाद 100 का 103, अगेन अगली छमाही बाद 100 का 103। तो ये आ गया हिसाब, क्या आ गया। अभी अभी पहले तो हम पहली बार उत्तर निकालेंगे इसका, क्या निकालेंगे पहली बार। तो हम कहेंगे चक्रवर्ती ब्याज छमाही ज्यादा है, तो छमाही ब्याज कितना है 370 दशमलव, और वार्षिक ब्याज कितना है, तो दोनों का अंतर कितना होगा, डिफरेंस 8, 0, 9 में 2 गया, 10 में 7 गया, 6 में 6 गया, तो अब 3 में 3 भी गया, कितना है, तो कितना अंतर आ गया। तो अभी अब जा करके इस सवाल का मैं पहली बार उत्तर निकाल के लाऊं, सही है ना उत्तर। तो अभी जाके मैं उत्तर ला पाया हूं 3.708, ठीक है। तो डेफिनेटली कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, मुझे भी लग रहा था कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, लेकिन उत्तर अपना क्या सही है, ठीक है। तो ये सवाल का बेसिक तरीका है हल करने का पैटर्न से। क्या देखो आप एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं, बट क्या होता है, कुछ सवाल कुछ विशेष तरीकों से ही छोटे होते हैं, लेकिन मैं देखा इस तरह का सवाल बड़ा ही होता है अक्सर, बट ये एग्जाम में आता है, क्या होता है अक्सर आता है, खास में तो चक्रवर्ती ब्याज से अक्सर यही सवाल पूछा जाता है, रेलवे में भी कई बार पूछा जा चुका है। खैर पहले उतार ले, अब शुरुआत से देखें जो बातें हमने बताई। देखो मैं अपनी कही गई बात पर क्या रहता हूँ, मैंने आपको रूलर पैटर्न बताया, तो मैंने कहा आसान है, आप छमाही दर से निकाल लो, सालाना दर से निकाल लो और उत्तर निकाल लो, आ जाएगा उत्तर, ठीक है ना। कैसा भी सवाल हो आप उत्तर देने में सक्षम है, बट अगर सवाल का नेचर थोड़ा लंबा जा रहा है तो कुछ ना कुछ करेंगे हम, उसको छोटा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो चूंकि थोड़ा जगह कम है तो एक बार उतार लो इसको, तो हम थोड़ा सा छोटा और छोटा कर सकते थे, जरूरी नहीं इतना बड़ा करें, उसको हम पैटर्न से भी छोटा कर सकते हैं, दूसरा 100 बटे 100 से भी छोटा कर सकते हैं, है ना। लेकिन ज्यादा छोटा नहीं होता ये सवाल, है ना। तो आपने उतार लिया इसका, ठीक है, आंसर आ गया हमारा 3.708 में। अब जैसे इसको छोटा करना था, तो देखो हमने ये अभी निकाला है चक्रवर्ती ब्याज, टाइम क्यों लग गया, क्योंकि तो पहले तो हमने चक्रवर्ती ब्याज शुद्ध निकाला, पहले वार्षिक का निकाला, फिर छमाही का, तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई, है ना। तो अब ऐसा करते हैं हम थोड़ा सा, चूंकि मूल का संबंध किससे होगा, ब्याज से, तो हम इसको पैटर्न से ही छोटा कर सकते हैं। तो एक बार मैंने छमाही आपके सामने है, किसके सामने,
तो मैं सालाना एक बार और निकाल लेता हूँ, बड़ा आसान है। देखो 6% वार्षिक है, तो एक साल बाद राशि 100 से क्या हो जाएगी, और आगे साल 100 का 106 हो जाएगी। बट पूरा 2 साल का नहीं निकालना, ध्यान दो। कितने साल का निकाल लें, हम जानते हैं दूसरा साल पूरा यूज नहीं हुआ, तो पूरा यूज होता तो 6, लेकिन आधा यूज हुआ तो क्या हो गया, तो ये तो आसान है। 100 × 100 कितना, और 6 × 3 भी सीखा, 6 × 3 डायरेक्ट कर सकते हो, और 106 में 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, याद है कि नहीं यार, ठीक है ना, ये 103 में 6 जुड़ जाएगा, है ना। अब ये 10,000 से 10,918 आ गया, इसको भी हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं। कैसे, ऐसे गुणा करने में काफी टाइम लग गया, क्या लग गया भाई, अगर छमाही दर, ये तो हमने कौन सा निकाला, वार्षिक, कैसे निकाला, और अब निकालना है कैसा, हाफ ईयरली, क्या निकाले, तो हाफ ईयरली आप जानते हो 6 दर है, तो पूरे साल की तो 6 माह की कितनी हो गई, हेलो, और 1.5 साल है तो 1.5 साल में कितनी छमाही होती, तो मैं मोटा मोटा निकाल लेता हूँ 100 100। अभी 103 का हमने घन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, तो घन आ गया इतना, मैंने कहा इतने से इतना हो जाता है। तो सवाल है कि 4,000 है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मूलधन है वो कितना है, हेलो, तो यहाँ भी मैं मूलधन को भी अपना 4,000 ना बना के 10,000 ही बना लो, तो आसान है, 10,000 से क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब मैंने कहा मूलधन 10,000 है, तो यहाँ से ब्याज कितना बना, 900, और जब मूलधन यहाँ पे 10,000 है, तो यहाँ पे ब्याज कितना बना, 10,900, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना अंतर निकाल लेता हूँ कि अब अंतर क्या होगा, ठीक है ना, तो अंतर होगा 927.27, ये तो हुआ हाफ ईयरली, क्या हुआ, और 918 क्या हुआ, ईयरली, क्या हुआ, वार्षिक, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 17 में 8 गया कितना, 9, 1 में 1 गया कितना, 0, 9 में 9 गया 0, तो अपना अंतर कितना है, लेकिन ये उत्तर गलत है, क्यों, क्योंकि हमने तो मूलधन क्या माना है, क्या माना है, और सवाल का मूलधन क्या है, लेकिन फिर भी ये बात थोड़ा प्रासंगिक है। हमने कहा चलो अगर मूलधन 10,000 है तो अंतर कितना है, हेलो, मूलधन अगर 10,000 है तो अंतर कितना है, अच्छा मूलधन का अंतर से ब्याज से मिश्रधन से सभी से संबंध है। अगर मूलधन 10,000 की 20,000 होगा तो अंतर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, होगा कि नहीं, अगर मूलधन 10,000 की 5,000 हो जाएगा तो अंतर भी उसी अनुपात में, तो ये बात रही समानुपात की, क्या रही, तो इसका अब हम फायदा उठा लेंगे, क्या उठा लेंगे, मैं कहूंगा कि मुझे अंतर चाहिए, क्या चाहिए, मैं कहूंगा मूलधन 10,000 है, कितना है, तो ब्याज का अंतर कितना है, अब मूलधन 1 होगा तो 9.27/10,000, मूलधन 4,000 होगा तो 4,000, ये मैंने सिखा रखा है, एक नियम, अंधेरा, मूलधन 4,000 है तो अंतर क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि घटनाएं उसी अनुपात में घटेंगी, तो आप बोलेंगे 2/1, क्या बोलेंगे, तो 9.27 × 4,000 और बटे क्या, तो पहले आप पॉइंट हटा दें, तो 2 पॉइंट, 1, 2, 1, 2, 3, ठीक है ना, अब गुणा कर दें, 4 × 7 = 28, और हासिल 2, 4 × 2 = 8 और 2 = 10, हासिल 1, 4 × 1 = 36, और नीचे कितने 0 बेटा, 4, तो कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ किए गए, अपन ने कहा 10,000 था ना, कितना था, तो 2/1, 9.27 और गुणे कितना आया, 4,000 और बटे कितना, 10,000, ठीक है ना। तो मैंने कहा देखो 2 पॉइंट से 2 जीरो क्या हो गए, खत्म हो गए, तो ये आ गया अपना 0 और 4 × 7 = 28, ठीक है ना, और फिर नीचे कितने जीरो, ध्यान दो 4, तो 4 अंक के पहले क्या लग जाएगा, 10, तो ये भी एक तरीका है। बट ये तरीका प्रासंगिक क्यों है, हेलो ध्यान दो, जैसे मूलधन दे दिया, ठीक है ना, और आपसे क्या पूछ लिया, अंतर, क्या पूछ लिया, लेकिन हो सकता है कभी सवाल अंतर दे दे, क्या दे दे, और आपसे क्या पूछ ले, तो हम अपने हिसाब से मूलधन को 100 या 10,000 जो भी सुविधा होगी वो मानकर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको अंतर मालूम होता कि अंतर भी जो है वो 3.708 है, कितना है,
तो मूलधन भी तो आ जाता है ना, आ जाता है ना 2/1 से, ठीक है ना। तो इसलिए ये तरीका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर उल्टा भी पूछ लिया जाए तो भी हम निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन इसी तरीके का यूज हम एक जगह और कर सकते हैं। यहां पर जो हमने पैटर्न बनाए थे ये 2 साल का पैटर्न है, तो यहां से हम x/100 की औसत दर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? उदाहरण के तौर पे 10% दर है, कितनी है? तो इसका मतलब राशि एक साल में 100 का 110 और अगले साल 100 का, यानी इसका मतलब राशि 100 का 121 हो गई, यानी जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा। ऐसा कर सकते हैं। ये हम पैटर्न की जगह x/100 का भी यहाँ यूज कर सकते हैं। 10 × 10 × 10 × 10 × 10 100/100 कितना आता है 10 × 10 = 20। यहाँ यानी ब्याज कितना बनेगा। अब यहाँ पे कितनी बार का पैटर्न है? 3 बार का। कितनी बार का है? 3 बार। तो जैसे हम 2 बार का निकाल ले, फिर 2 बार की कैलकुलेशन को 1 बार और फिट कर दे, क्या कर दे 3 बार का निकाल ले, और फिर दोनों का क्या निकाल ले अंतर, और फिर हम ऐच्छिक नियम यूज करेंगे। तो उस तरीके को हमें सीखना है, बट पहले आप इसे क्या करेंगे, है ना, उतार लेंगे। क्या करेंगे, समझ में आई बात? हमने क्या माना, मूलधन कितना है 10,000, तो अंतर कितना है 900, और यहाँ भी मूलधन हमने 10,000 मान लिया, तो अंतर कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 900। अब दोनों का अंतर निकाल लिया, मैंने कहा भाई मूलधन 10,000 है तो दोनों का अंतर 9 × 10 = 27 है, मूलधन 4,000 होगा तो दोनों का अंतर क्या होगा। सामान्यशा हमने ऐच्छिक नियम यूज किया, क्या किया, ठीक है ना। बट अब इसको हम और छोटा करेंगे, क्या करेंगे, जितना हो सकेगा। हेलो, बात को सीरियसली समझते रहे, क्या करते रहे। एक तो हमने बेसिक तरीका, इसको भी 4,000 बनाया, इसको भी घटा लिया, दूसरा हमने कहा 4,000 पे ना जाए, इधर 10,000 आ रहा है तो उधर भी मूलधन 10,000 मान ले, उसके हिसाब से अंतर निकाल ले कि भाई मूलधन 10,000 है तो अंतर 9.27 है, ठीक है ना। तीसरा मैंने कहा कि भाई ये तरीका प्रासंगिक क्यों हो गया, क्योंकि अगर मूलधन है तो अंतर मालूम हो जाएगा, हो सकता है सवाल का दिमाग खराब हो जाए, उसे अंतर दे दे और मूलधन पूछ ले, तो भी ये लॉजिक काम में आ जाएगा कि अगर मूल मालूम है तो अंतर आ जाएगा, अंतर मालूम है तो मूलधन आ जाएगा। दूसरा मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर हम पैटर्न की जगह x/100 भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं। तो दो जगह हमने कहा था x/100 2 सालों के लिए है या 2 बार के लिए, कितनी बार के लिए, 2 बार। लेकिन उसका 3 बार में यूज का एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, क्या है, तरीका भी है और फार्मूला भी है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा सीखेंगे x/100 का यूज, जो कि हमने परसेंटेज में सीखा था, किसमें, तो उसके लिए आप इसे अभी पूरा उतार लेंगे, तब जाकर वो बात समझ में आएगी, क्या आएगी। सवाल प्रासंगिक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, मैंने कहा आगे भी पूछा जा सकता है, और खासकर बड़े एग्जामों में अक्सर चक्रवृद्धि ब्याज से यही सवाल ही पूछा जाता है या इसी तरीके के सवाल ही बनते हैं, तो हम इसकी सारी तरकीबें सीखेंगे, क्या। तो मुझे लगता है आपने उतार लिया होगा इसको, ठीक है ना। छोटी सी बात है, इसे कोई सीखना नहीं है, मूलधन 10,000 है तो अंतर 9,27 है, मूलधन 20,000 होगा अंतर डबल होगा, मूलधन आधा होगा अंतर आधा हो जाएगा। अब मूलधन कितना भी हो उसका अंतर से संबंध होगा, मैं एक ही नियम लगाकर उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं साफ कर दूं इसको, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात, हम यहाँ पे x/100 का भी यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये पहले बताएं, क्योंकि कई बच्चे बाद में आए हैं तो हमने उनको x/100 शायद बताया नहीं है, क्योंकि हमने परसेंटेज में बताया था। तो देखिए पहली बात तो रूल ऑफ पैटर्न और x/100 ये हमेशा गणित में उस जगह लगते हैं जहां चीजें क्रमागत होती, क्या होती, उत्तरोत्तर होती,
चक्रीय दर से होती है। कैसे होती? उदाहरण के तौर पे मैं आपसे बोलूं, किसी आदमी का वेतन थोड़ा सा शांत रहेंगे, क्या रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा बोलेंगे कि सपोज करो किसी आदमी का वेतन 10% दर से बढ़ गया, कितनी दर से बढ़ गया, यानी 100 से कितना हो गया, लेकिन जैसे ही पेमेंट बढ़ा वो मक्कारी करने लगा। हेलो, तो गवर्नमेंट ने फिर से उसका वेतन 10% क्या किया। तो आपको क्या लगता है, पहले बढ़ा तो किससे था और घटेगा किससे? 110 का 10% जब घटेगा तो हो जाएगा 110 का 90%, यानी कितना हो जाएगा, यानी पहले से वेतन कितना हो गया। आपने देखा बढ़ा था 100 से लेकिन घटा किससे, तो ऐसी समस्या आती है। ये समस्या कहलाती है उत्तरोत्तर, क्या कहलाती, जैसे लाभ हानि में है, ए ने बी को बेचा 10% लाभ पर और बी ने सी को बेच दिया 20%, या अभी मान लेते हैं 10% हानि पर। हेलो, अगर ए ने 100 में खरीदा था तो बी को कितने में बेचा, और जब बी बेचेगा सी को 10 हानि पर तो किससे बेचेगा, तो यानी 110 के 10% कम में, 110 के 90% में, यानी कितने में बेचेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि 10% का ग्रोथ यहाँ 10% के हैरेसमेंट के बराबर है, नहीं है, क्योंकि ये क्रमिक है। ध्यान से देखो, बी का हिसाब किस पर है, 100, और सी का हिसाब, इसी को कहते हैं उत्तरोत्तर, क्या कहते हैं, क्रमिक, चक्री। अब थोड़ा सा चक्रवर्ती ब्याज को ध्यान से देखते हैं, किसको कहते हैं, ब्याज की दर 10% है, इसका मतलब पहले साल राशि 100 से क्या हो जाएगी, और अगले साल भी 10% है, तो अगले साल जो ब्याज लगेगा किसको लगेगा, यानी राशि 110 का 10% ज्यादा, या 110 का 10%, यानी राशि कितनी हो जाएगी। यही प्रोसेस गणित में कहलाता है उत्तरोत्तर चक्रीय। तो ऐसी बातों के लिए 2 साल की बातें हैं अगर, या 2 बार की बातें हैं, और काम उत्तरोत्तर होता है। कहीं भी एक शहर की जनसंख्या 10% बढ़ गई एक साल, दूसरे साल 10% घट गई, या दूसरे साल भी 10% बढ़ गई, तो वो क्रमिक बढ़ती, चक्री दर से बढ़ती। तो 2 बार की बातों के लिए एक फार्मूला बनाया गया गणित में बच्चों को समझाने के लिए, xy xy/100, क्या बनाया गया, क्या बनाया गया, चूंकि बार बार चक्रवृद्धि ब्याज न लगाना पड़े, या चक्रवृद्धि ब्याज जैसी बातें न लगानी पड़े, फार्मूले नहीं याद करना पड़े। जैसे मैंने कहा एक आदमी का पेमेंट 10% बढ़ा और 10% घट गया, तो हम यहाँ 10 की जगह 110 की जगह क्या लिखेंगे, बढ़ा है, और दोबारा 10 घटा है तो, और धन गुणा ऋण, यहाँ ऋण करेंगे, 10 × 10 क्या हो जाएगा, 100/100 तो कट जाएगा। तो देखो धन 10 ऋण 10 शून्य हो गए, यानी उसके वेतन में 1% की क्या जाएगी। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, कितना सवाल है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है, कितनी, 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो 10 × 10 × 10 100/100, तो 100 एक बार कटेगा, 10 × 10 = 20, और कितना ब्याज मिलेगा। तो ये तरीका क्षेत्रफल में भी यूज होता है, किसमें यूज होता है, सपोज करो मैंने कहा एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो भाई वर्ग की भुजा लंबाई वाली भी बढ़ी और तो 10 बढ़ी, तो धन 10 × 10 100/100 कितना आ गया, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। हेलो, अगर मैं कहूं किसी घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए, किसकी, तो आपको मालूम है घन का जो आयतन होता है वो होता है a³, क्या होता है, तो प्रभाव तो वही रहेगा, क्योंकि गुणा और चक्री बातें एक ही जैसी होती हैं, जो बातें गुणा में लागू होती है वो बातें उत्तरोत्तर क्रमिक चक्री में भी लागू होती है। तो हम यहाँ कहेंगे यार, यार दो बातों का, ये 10 बढ़ा लंबाई, ये 10 चौड़ाई बढ़ा और 10 ऊंचाई बढ़ा, तो 2 बातों का परिवर्तन तो कितना है, लेकिन तीसरी बात इसके साथ गुणा हो रही है 10%। हम यहाँ पर एक बार और x/100 एक बार यहाँ तो लगा लिया, कितना है, और एक बार यहाँ भी लगा लिया, 21 × 10 × 21 = 10 210/100। हेलो, तो 21 और 10 = 31 और 2, समझे बात को, तो हम 3 बार भी x/100 का यूज, पहले 2 बार, या मैंने कहा कि 2 साल में दर में कितना परिवर्तन आया, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है तो कितना ब्याज मिलेगा, अगर हम 3 साल जमा रखेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 33.1। तो हमने क्या किया, x/100 पहले 2 बार लगाया, फिर उसकी वैल्यू में और तीसरे की वैल्यू में एक बार हमने और लगा दिया, क्या लगा दिया, तो ये कहलाता है 3 बार का यूज। तो आइए इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ध्यान दें, इसी 3 बार को यूज करने का एक तरीका भी है, क्या है वो, क्या तरीका है, अभी सीखते हैं। पहले आप बताएं पूरे साल की दर कितनी है, 6,
और आधे साल की दर कितनी, तो डेढ़ साल का वार्षिक ब्याज क्या होगा आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। 6 3 कितना होगा, तो जो आप 100 का 106, 100 का 103 कर रहे थे यहां से भी उत्तर आया था, यानी ये उत्तर आया चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज, यानी 9.18% क्या बनेगा। अब इसका हम तीन बार छमाही जब दे है तो छमाही दे छमाही दर क्या होगी भाई, वार्षिक दर 6 तो छमाही क्या होगी 3, और डेढ़ साल में कितनी छमाही होगी, तो यानी ये तीन बार का पैटर्न बनेगा। तो दो बार का तो आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कैसे, 3 और 3 6 और 3 × 3 9 बटे क्या, तो 100 से ये बेटा क्या आ जाएगा 0.0, तो 3 3 6 दशमलव क्या। अब ये 2 3 का तो अंतर आ गया 6 दशमलव, और फिर 1 3 और है तो 1 बार 3 और लगा ले क्या, 6.09 धन 3 और धन एक्स वाई, तो 3 9 क्या हो गया 27 और 3 6 क्या हो गया और दशमलव और बटे क्या, तो 100 से 1 पॉइंट और आ जाएगा बेटा, क्या जाएगा। अब आप गौर से देखो 6 और 3 9, अब इसे थोड़ा सा जोड़ देंगे, क्या करेंगे, तो 6 3 तो क्या हो जाएगा 9 इधर आ गया, और थोड़ा सा जोड़ेंगे तो ये पॉइंट इधर का 100 कट के कहाँ गया, इधर आ गया, तो ये तो आएगा लास्ट में 27 और ये 18 और 0 9 ये भी क्या हो जाएगा 27 और बीच में लग जाएगा क्या पॉइंट। अब मेरे हिसाब से आ गया कि जब छमाही ब्याज है क्या, तो वो है 9.2727 कितना है, और जो सालाना ब्याज है वो कितना है 9 पॉइंट, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, तो आ गया 27, 17 में 8 गया कितना 9, 1 में 1 गया 0, तो कितना आ गया। अब वापस आप देखिए, जब मूलधन हमारा, चूंकि ये काम परसेंटेज में हो रहा है, तो यहाँ मूलधन क्या है 100, तो जब मूलधन 100 है तो अंतर कितना है, कितना है, और जब मूलधन 4000 होगा तो अंतर कितना होगा, तो मैं कहूंगा अंधेरा क्या हो जाएगा कायम हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा गुणा कर लेंगे, ये पॉइंट है अभी हटा देता हूँ, और नीचे कितने जीरो बढ़ा देता हूँ, तो 3 0 काट देता हूँ, 1 2 3 1 2 और 3, अभी नीचे कितने जीरो पेंडिंग है, 4 7 28 हाँ 2 4 2 8 और 2 10 हाँ 1 4 36 और 1 37 और नीचे कितने जीरो है बेटा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3.708। तो यही उत्तर है, मैंने चेक कर लिया, मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर ध्यान दें, तीन चीजों के लिए, कितने चीजों के लिए, जहां x^100 का यूज करना है, तो वहां एक फार्मूला बनता है 3a³ और 3a² और क्या, यही बनता है a³, 3a³ लिखा है हमने, 3a² और a³ क्या बनता है। तो हालांकि कोई जरूरी नहीं, आप दो बार लगा सकते हैं, लेकिन 3 साल के अंतर को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला, देखो इधर लिख देता हूं मैं 3a³, 3a² और a³, बट यहां देखिए यहां पे ऐसे ऐसे, अब ध्यान दें यहां 3 3 और क्या है, अब यहां 4 4 4 हो, 5 5 5 हो, 6 6 6 हो, और x^100 का कितनी बार यूज करना हो, 2 बार, तो ये आता है कितना आता है 9 18 27 ये आता है ना, तो इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, ए की जगह क्या ले लेना 3, तो यहां देखेंगे 3 3 9 3 3 3 9 3 27 27 और गुणे 3, 27 × 3 क्या हो गया बेटा। अब ध्यान ये रखना है कि यहां से दो दो अंक ही लेने हैं हमेशा, कितने लेने, कितने लेने, कुछ गड़बड़ कर दिया गया, देखो यहाँ पे क्यूब नहीं है बेटा, क्या नहीं है, यहाँ पे केवल 3a है, एक्चुअली में हम ज्यादा यूज नहीं करते, मेरी दो तो यहाँ पे क्या है केवल 3a है, तो ये हो गया 3 9 कितना, नहीं 3 × 3 कितना हो गया 9, कितना हो गया, और यहाँ पे लगता है दशमलव, तो ये आंसर हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, एक बार फिर से देखें, जब हमें इसकी जरूरत नहीं रहेगी, क्या पहले एक बार उतार लें, क्या उतार लें 9.2727। ध्यान दें फिर से एक बार समझ लें, 6 3 9 6 3 18 9 पॉइंट कितना हुआ। अब 3 का 3 बार यूज करना है, कितनी बार यूज करना है, ठीक है ना,
तो हम पहले दो बार तीन निकालें आसान है, तीन तीन छह, तीन तीन नौ, 6.09, एक बार और एक सौ बेटे 100 लगा लें, कितना आ गया, बाकी सारी बातें हो। अच्छा अगर हम चाहे तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं, तीन बार निकालने का ये फार्मूला होता है क्या, 3a² a³, तो तीन a की जगह जो तीन 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 या चार चार पांच है, तीन तीन नौ के सकते हैं, पहले तो उतार ले एक बार और चर्चा कर लेता हूँ, बहुत बात है, कोई बात नहीं भूले फटाफट उतारे इसको पहले, सब आ जाएगा समझ में बेटा, समझना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है ना। पहले तो अच्छा एक बात आप थोड़ा सा देखें, फिर से देखें, पहले हंसनी थप्पड़ मार दो, चुप रहे, एकदम शांति चित से उधर देखें, पहले फंडा समझे, मैंने कहा फार्मूला समझे, एक्स वे बटे हंड्रेड, पहले साल की दर कितनी, आधे साल की कितनी, तो एक्स वाई, एक्स गुणे वाई क्या हुआ, तो ये समझ में नहीं आया कितना कितना ब्याज बनेगा। अब दूसरा फंडा समझे, जब ब्याज छमा ही दे है, कितना दे है, कितने साल है, डेढ़ साल, तो वार्षिक दर कितनी, छह, तो छमा ही क्या हो जाएगी, और समय कितनी हो जाएगी, समय कितना हो जाएगा, तीन छमाही, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पर ब्याज जो बनेगा दो छमाही का, तो तीन तीन की नजर से कितना बनेगा, दो बार, तो आप एक सौ एक सौ हंड्रेड लगा देना, या तो सौ का एक सौ तीन कर दे, या धन तीन, धन तीन, तीन गुणे तीन नौ बटे सौ, तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट जीरो, तो तीन तीन छह पॉइंट जीरो नाइन आ गया भाई। अब दो छमाही का तो उत्तर आ गया 6.09, कितना, लेकिन छमाही कितनी है, तो तीन छमाही का क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स वाई, तो तीन तीन नवा 27 और तीन चंगा 18 और बटे क्या आ गया 100, तो ये पॉइंट किसक के कहां जाएगा, अब ध्यान दें कितना हो गया, 6 और 3 कितना हो गया, जोड़े ये आ जाएगा 27 और ये पॉइंट इधर आ गया, तो 18 और 09, 18 और 9 क्या हो जाएंगे। अब आपको क्या दिक्कत है, आपने कहा यार चक्रवृद्धि ब्याज दो सालों का या डेढ़ सालों का 9.18 आया, और चक्रवृद्धि ब्याज छमाही कितना आया, 9.27 आ गया, तो मैंने कहा अंतर कितना है, तो अंतर निकाल लिया, तो 9.27 में हमने 9.18 क्या किया, घटा दिया, तो हमारा अंतर कितना आया, 0.0927। अब मैंने कहा मेरा अंतर 0.0927 है, लेकिन कब है, तो दरअसल जब हमने दर 6 ली थी, क्या ली थी, उस समय हमारा मूलधन क्या था, 100, हमने कहा था कि 9% ब्याज बना, यानी दर 6% है, यानी मूलधन 100 है, तो जब हमारा मूलधन 100 है तो ब्याज कितना है, ब्याज का अंतर कितना है, 0.0927 कितना है, लेकिन सवाल केवल इतना कह रहा है कि जो मूलधन है वो कितना है, 4000, कितना है, 4000, तो फिर अगर 4000 है तो आप कहेंगे क्या होगा, तो मैंने कहा भाई बातें वही होंगी, लेंगे होंगी, अगर ये 4 गुना है तो 4 गुना हो जाएगा, 2/1 लगा दे, अब इसको उतार लेंगे, पहले क्या करेंगे, फिर एक बात और सीखेंगे। अच्छा ये ऐसे हंसने से क्या हो जाएगा, ये तो पढ़ाई के बीच में हंसने से सर्वनाश होता है, क्या होता है, जो चीजें समझ में आती है वो भी दिमाग से क्या हो जाती है, तो हंसे ना, खूब हंसे, मैं मजा तो नहीं कर रहा हूँ, मजा लेना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, लेकिन जो बातें सीखना है, जिस तरीके से सीखना है वो तरीके तो सीखे आप लोग, है ना, ठीक है, ऐसे नहीं होता कि जब थोड़ा सा कोई बात थोड़ी सी कठिन आ गई तो आपका व्यवहार अलग हो जाए, क्या हो जाए, मतलब ये कि हमें हमको उतना ही पढ़ा जितना हमको आता है, हम नहीं सीखे, इससे क्या होगा, क्वेश्चन तो आएगा ही एग्जाम में, ठीक है ना, लेकिन आप करके नहीं आओगे, क्या आप फेल हो जाओगे इस एग्जाम में, जिस एग्जाम में एक सवाल दो सवाल आ गया तो यही मेरिट का हो जाएगा, इसीलिए चीजों को पूरा सीखे, क्या करें, आप तो शांति से बैठना है, आपको आपसे कहा गया समझो इस बात को समझो, तो हमने कहा कुछ सवाल पैटर्न से आसान होते हैं, कुछ सवाल 100 से क्या होते हैं, आसान होते हैं,
यहाँ पर हमने दो बार इसको यूज किया, कितनी बार? मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं दो बार यूज कर लेता हूँ, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक्स वाई एक्स वाई बटे 100 मेरे हिसाब से ब्याज 9.18 है, 3.369 दो छमाही का 6.09 हुआ, और उसमें तीसरी छमाही ऐड कर ले तो ब्याज कितना हो गया 9.2727 कितना हो गया। अब मेरा छमाही ब्याज इतना आ गया और सालाना ब्याज इतना आ गया, अंतर इतना आ गया। मैंने कहा मूलधन 100 है तो अंतर इतना है, मूलधन 4000 है तो अंतर कितना होगा, आप काउंट कर सकते हो। फटाफट उतार लिया, क्या उतार लें, उतार लिया। अब दूसरी बात, एक छोटी सी बात है कि यहाँ पर जो दो बार हम x100 यूज करते हैं, क्या करते हैं, और ध्यान दे सेम संख्याओं में, किसमें, उसके लिए एक छोटा सा तरीका है, मैं अब इसे मिटा दूंगा। अब जब सपोज करो यहाँ पर वो तरीका है 3a और क्या है, 3a.3a² और ए क्यूब। अब ध्यान दें ये थोड़ा सा कठिन बात है, इसको सीखे आप, और इसका अगर यूज करते हैं और सारी बातें नहीं जानते तो गड़बड़ होती है। ध्यान दें यहाँ ऐसे दो दो लाइनें लगी हैं, क्या लगी, और यहाँ पर जो एक्स वाई 1/100 हम दो बार यूज कर रहे थे उसको हम सिंगल बार यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए तीन पर करके बताता हूँ। तो ए का मान यहाँ पे जो 3, 4, 5 वो रखना है, ए का मान 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर 3, 9 तो वो अंतर हमारा डायरेक्ट आ जाता है, क्या जाता है। बट ध्यान दे यहाँ एक बाउंडेशन है, जो यहाँ तो यूज नहीं हो रहा, बाउंडेशन है कि यहाँ से केवल दो अंक लेने हैं, पूरी बात समझे, कितने अंक लेने हैं, मैंने अगर दर ए का मान यहाँ 3, 3 लीजिएगा 5, 5 आ जाए, क्या जाए, आइए देखे 5 क्या हो गया, 5, 5 25 थी, और 5, 5 25 पंजे, तो ये अंतर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां से हमेशा दो अंक ही लेते हैं, कितने लेते हैं, एक को इधर जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 15.76 100, तो ये अंतर होगा, क्या होगा, इस बात को समझे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख दिया कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पे वेरी गुड, इस एक को कहाँ जोड़ दिया, एक अगेन ध्यान दे अगर यहाँ 3, 3, 3 की जगह 4, 4, 4 5, 5, 5 की जगह 6, 6, 6 होता, क्या होता, तो फिर ये 6 तो क्या हो जाता, 18, 6, 6, 36 गुणे 3, 3 6, 18 और 3, 3, 9 और 1 और 6, 6, 36 6 कितना, तो क्या अंतर ये होता, नहीं होता, गलत हो जाएगा। यहाँ से केवल कितने अंक लेने, ये दो इधर जोड़ देते हैं तो ये हो गया 16, 108 और 2, 110, यहाँ से भी ये दो ही लेंगे, कितने लेंगे और एक को कहाँ जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 19 पॉइंट। तो मुझे ज्यादा लुभाती नहीं है तो मैं तो दो बार ही यूज कर लेता हूँ, कितने बार, ठीक है ना। बट ऐसा बातें हैं, कई बच्चे इस बात को करते हैं, तो आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनल है, पहला तो ऐसा ही याद रखना। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पे पॉइंट लगा है, ठीक है ना। और तीसरी बात ये चीज जो है ये तभी यूज होगी जब 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5 सेम चीजें आएंगी, ठीक है ना। अगर अलग अलग आ जाएंगी तो फिर हम x100 यूज करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसका तरीका है, कोई सवाल का तरीका नहीं है, ये x100 का सेम बातों में अगर दो बार यूज करना है तो उसका तरीका है। लेकिन ये 2, 3, 4 में ही आसान रहती, कहाँ रहती, चीजें बड़ी आ जाती, 10 आ जाती, 15 आ जाती, तो और ज्यादा ये चीज भयावह हो जाती, क्या हो जाती, ठीक है ना। तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो हमने 3 किया तो 3 × 3 ए का मान 3 रख लिया, कितना है 9, 3 × 9 = 27, 3 × 9 तो ये आ गया 9.27। पक्का हो गया बच्चों, खैर तो बाकी चीजें वही हैं, बाकी चीजें ऐसा नहीं कि इसका यूज करोगे तो उत्तर आ जाएगा, ये 100 × 100 का दो बार यूज करने का शॉर्टकट तरीका है। बट ये तरीका थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं है, आप दो बार 100 × 100 लगा लो, कंडीशनल है कि ये तभी लगेगा जब यहाँ पे आएंगे सेम। दूसरी बात ये कंडीशन है, यहाँ से दो अंक ही लेंगे, कितने लेंगे, ठीक है ना, तो ज्यादा उपयोगी नहीं, तो आप दो बार यूज कर लें, कितनी बार यूज कर लें। फिलहाल अगला प्रश्न लिखते हैं, बीस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीन वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तीन वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3640 रुपए है, 3640 रुपए है, तो वह धनराशि बताओ, तो वह धनराशि बताओ। करें एक बार प्रयास। अरे पानी आया कि नहीं आया? नहीं है? फोन करते हैं, पानी ले आता हूँ। अरे देखो कौन कितना बदमाशी कर रहा है, शांत रहो। हाँ भाई, करा क्या आपने? ना वो तो आइए देखिए, क्या क्या है, कितनी है,
आई 20% रहे तो राशि सबसे क्या होगी? ये हमारी सोच है पर्यटन के हिसाब से, क्या है तो मेरे हिसाब से तो ब्याज कितने 700। लेकिन सवाल कहता है कि नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज तो 3640 है, कितना है? मेरा अगर 700 कहीं से 3640 तो मेरा एक बराबर 3640 बटे 700 10% वार्षिक दर से है और अमाउंट कितना है?
लगा लेंगे दो बटे। तो आपने देखा सारी चीजें पैटर्न से लगभग आसान पड़ती, बस एक सवाल खास कर पहले वाला था सेकंड करने वाला था बहुत सा पैटर्न से कठिन होता है, बाकी कहीं भी चक्र दिलाने में पैटर्न में आपको कोई समस्या नहीं है। कितना हुआ 10,000, 4 × 4 = 16, 104 × 4 अभी सीखा था ना, 10,000 से राशि मूलधन जो है दूसरा, इसको छोटा भी कर सकते थे अपन, क्या कर सकते थे जैसे ये 4 × 25 क्योंकि 2 साल इसका पूरे 26 का, तो फिर इसको ये अमाउंट 2 बटे ये निकालना है तो क्या हो जाएगा 625 × 8,112 और बटे 606 छोटा कर लेते हैं 26 है तो 13 से कटेंगे 13 × 5 = 65 13 × 26 13 × 6 = 78 3 × 31 13 × 26 13 × 52 फिर 13 × 52 13 × 52 देखिए एक गणित में ब्याज में एक टर्म यूज होता है वर्तमान मूल्य का, ₹1,000 का कर्जा लिया है और 5 साल पर भी 75 हजार देने हैं,
राशि सबसे क्या हो गई एक साल बाद
हमें हमें समय मालूम है, क्या मालूम है, और दर निकाल ली, क्या निकाल ली, हेलो, लेकिन दर क्या होती, वार्षिक, क्या होती, और हमें मालूम है कि मूलधन 2000 से इतना हो गया, 125 से इतना हो गया, ठीक है ना। अब 125 समय मालूम है, तीन क्या मालूम है, तो अगर इसका हम घन निकाल लें, इसका घन क्या आता है, चूंकि समय तीन है तो मतलब पैटर्न कितनी बार बना होगा, दो होता तो दो बार बनता, चार होता तो, तो अगर ये अनुपात आ रहे हैं, ये 10 का क्यूब आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये किसका क्यूब आ रहा है, ये किसका आ रहा है, और ये किसका आ रहा है, हेलो, हम कह सकते हैं राशि तीन बार में 10 की बार हो रही है, दर के यही नहीं, अगर राशि पांच की छह बोली किसकी बोली, तो हम ब्याज का समय मालूम हो तो दर, और अगर दर मालूम है तो समय का गेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अक्सर उससे ही होता है, तो इतनी बात समझ में आई क्या बच्चों, तो इस टाइप के सवाल है, कल उनको करेंगे, आज सुनते
आप ये दे रहे हो क्या मैसेज? कौन क्या दे रहा है यार? सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। आज वन डे टॉपिक फिनिश करना है अपन लोगों ने। बहुत आसान सा चैप्टर है, समझ में आ गया तो, नहीं तो दिक्कत भी आ सकती है। चैप्टर का नाम क्या है? कागज मोड़ना काटना। कागज मोड़ना और काटना आसान सा चैप्टर है सर। अब एक सवाल को लेते हैं, समझते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्या है सर? प्रश्न बनेगा आपके पास कुछ इस प्रकार का। क्या समस्या है? सर यदि बातें नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे यार। ये इस तरह का एक प्रश्न आएगा आप लोगों के पास और यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया जाएगा। पहले प्रश्न को पूरा समझ लें, फिर उसके बाद आप लोग खुद से करेंगे कुछ क्वेश्चंस।
यहां देखिए कागज दिया हुआ है और इस कागज में एक डॉटर लाइन है सर। एक कागज दे दो मेरे को, लो ये कागज है सर, कोई फ्रेश दो यार। हाँ ये ठीक है, इस पे क्या कुछ समझाना है वो वाली बात है। ये एक कागज दिया है सर आप लोगों को और इस कागज में ये देख रहे हैं आप लोग डॉटर लाइन है सर। ये डॉटर लाइन जो है ना ये फोल्डिंग लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? फोल्डिंग लाइन। फोल्डिंग लाइन का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए इस कागज को मैंने यहां से फोल्ड किया तो आप देख पा रहे हो सर सभी लोगों को चमकती हुई सी नजर आ रही है सर। मैं नहीं उसमें कोई लाइन खींचूंगा तब भी दिख रहा है आपको कि यहां से क्या हो रहा है, फोल्ड हो रहा है। तो ये क्या होती है? फोल्डिंग लाइन। यानी कि ये कागज ऐसे है, अब ये एरो इधर से इधर बना हुआ है, इसका मतलब ये वाला पार्टीशन जो है इसके ऊपर ओवरलेप हुआ है। बोलो सर। यस, समझ में आ गई? तो फिर ये डायग्राम बन गया। अब इसके बाद फिर आपके पास क्या एक फोल्डिंग लाइन दी है इसने, दिख रहा है फोल्डिंग लाइन सबको, दिख रही होगी सर फोल्डिंग लाइन। अब ये एरो ऊपर से नीचे, इसका मतलब इसने इसको ऊपर से ऐसे किया हुआ है, तो ये बन गया। ये बनने के बाद ये बोलता है कि उपरोक्त मुड़े हुए और कटे हुए कागज को पुनः खोलने पर निम्न में से कौन सी आकृति प्राप्त होगी। अब इसको आपको वापस खोलना है तो इनमें से कौन सी आकृति, लेकिन बहुत सोचना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। अब पहला तरीका तो ये है कोई कागज ले ले आप, उसको ऐसे फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद फिर आप क्या करें, यहां से काटने की कोशिश करें। मुझसे कट जाएगा तो ठीक है, कोई जरूरी नहीं मुझसे कट जाए, कट गया सर, लेकिन नाखून नहीं मेरे। इसमें लड़कियों को ज्यादा फायदा होता है इसमें, है ना। एक तो ये ऐसे काट दिया अपन ने, बोलो सर यस, और एक ये साइड में से भी काटने को बोल रहा है, कट जा भाई। ये देखिए सर, या सर नो, कट गया। अब ये बोलता है कि इसको दोबारा खोलने पर क्या होगा। सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे फोल्ड किया है उसका रिवर्स खोलो। तो आपने पहले इसको ऊपर डाला ना, तो पहले इसको ओपन करो, जैसे इसको ओपन करोगे तो ये डायग्राम मिलेगा। बोलो सर यस। फिर आपने इस वाले को इसके ऊपर डाला था तो इसको ऐसे खोल दो, और जब इसको ऐसे खोलोगे आपको ये डायग्राम मिलेगा। कौन सा डायग्राम है? बस ये आंसर। बात समझ में आएगी नहीं? पहली चीज तो ये वाली, लेकिन ये करना नहीं है हम लोगों ने। करना क्या है? करना ये है बच्चा हम लोगों ने कि हम लोगों ने यहीं पर इसको रीओपन करने की प्रैक्टिस करनी है। कहां पर? यहीं पर। अब उसको रीओपन कैसे करेंगे समझना। जब मैं इसके ऊपर से कागज को ओपन करूंगा तो आप देख पा रहे हो सर ये ऐसे खुलेगा। बोलो सर यस। तो बताओ ये गोला यहाँ पे कॉपी होगा कि नहीं होगा, और ये आधा गोला भी यहाँ पे कॉपी होगा कि नहीं होगा। ये खोलना आना चाहिए आपको। यदि ऐसे खोलना आता है तो फिर वो उस चीज की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि कई सवाल ऐसे आएंगे जिन्हें हम लोग चाह के भी उस पे ऐसे नहीं कर सकते। बताऊंगा कौन से आएंगे। फिर उसके बाद इसको यूं खोलना है। बोलो यस। और जैसे ही मैं इसको यूं खोलूंगा तो आपको पता है कि सर ये पूरा डायग्राम कॉपी हो जाएगा। तो ये गोला कॉपी होगा कि नहीं होगा? ये गोला कॉपी होगा और ये आधा गोला पूरा पूरा बन जाएगा। बोलो सर यस। अब यदि इसको हम चेक करें तो ये देखो ऐसा बना है। कौन सा आना डायग्राम? यानी हमें यहाँ पर रीओपन करना आना चाहिए यही क्वेश्चन में। यदि ऐसा आता है तो सर ये सवाल हमारे लिए बेहद आसान है। यस एंड नो, एनी डाउट? सो इसका आंसर कौन सा है? क्लियर है बेटा? उतारो तरीके से। यहां पर ऐसे लिखना बेटा, इसको पूरा लिख लेना, एक मिनट मैं पूरा लिख देता हूं। उपरोक्त मुड़े एवं कटे हुए कागज को उतारे उसको अच्छे से।
पानी पीते रहिए तो सुन रहे क्या समझे उनको तो करना चाहिए गर्मी छह भयंकर यार उतालिए बच्चा चलो एक सवाल और लेने की कोशिश करते हैं। हाँ उतालो उतालो आराम से यार मतलब तो पूछा हूँ मैं मिटा थोड़ी रहा हूँ नाराज क्यों रहो फिर लगी बीमारी तेरे कहीं करो तो उतार उसको कहीं करूँ कहीं मुझे बाकी सब फोटो थोड़ी खींचते हैं शिवरात्रि भी मार्च में आएगी अभी से मेले की तैयारी कर रही है क्या फिर अभी अभी तो खींच रही थी कि छोड़ दिया बड़े बेटा आगे चलो प्रदीप कल की छुट्टी क्यों कोई विशेष कारण भाई हम तो पूछ लेते हैं देखो यार छुट्टी क्यों कर रहे हो बाकी कोई मतलब नहीं होता किसी को करो करो आओ तो आओ नहीं मत जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन भैया फर्क पड़ता है नहीं आओगे तो समझ में नहीं आएगा अच्छा कल से छुट्टी पे कौन कौन जा रहा है अरे यार मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार अरे जाओ यार हाँ मैं तो कह रहा हूँ जाओ अरे यार मेरा फायदा नहीं करवाना चाहते गंदे लोग है ना ए, मेरा घर कैसे चलेगा भाई आटा खत्म हो रहा है यार कैसे लेके आऊंगा अच्छा कैसे आ जाओ छुट्टी करेगा जिदी तो तेरे से तो उम्मीद भी नहीं है तू तो और लेके भाग जाए चलो बच्चा एक सवाल और करके देखते हैं सर प्लीज अपने अपने विवेक का इस्तेमाल करना यार कहाँ जा रहा है मनीषा जी कल गए थे आप खुशी क्या खुशी थी भाई अच्छा तबीयत ठीक नहीं थी अच्छा डॉक्टर के घर चलाने गए थे आप ओके
सर यदि आप बातें नहीं करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, वरना मुझे गुस्सा ही बहुत जल्दी आता है, ये भी ध्यान रखना। बिल्कुल आराम से सोचे, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। और मैंने बताया सर रीओपन करने का तरीका, तो उसको रीओपन करके देखो आप। सर रीओपन करके देखो, ए ए ए खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें सर, प्रश्न तो ऐसे ही पूछेगा ससुरी का। हवा में चलोगे तो कपड़े फाड़ोगे, और कॉपी पे चलोगे तो पक्का आंसर आएगा। चेक करके देखें सर, चलो चेक करके देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि सर इस वाले को रीओपन, सर बात नहीं, इस वाले को रीओपन करो। जैसे ही इसको रीओपन करोगे ये कॉपी होगा, कॉपी होगा तो ये अर्ध गोला तो 1/4 तो हो जाएगा हाफ, और ये वाला जस्ट यहाँ कॉपी होगा सर, लाइन से इतनी ही ऊपर, समझ आ रही। फिर जब इसको अपन इधर रीओपन करेंगे तो सर ये वाली आकृति जस्ट डबल हो जाएगी। इसका मतलब है ये यहाँ पर कॉपी होकर डबल हो जाएगा, ये यहाँ पर कॉपी होकर डबल हो जाएगा, और ये लाइन इस सेंटर से इतनी दूर बनेगी तो इस सेंटर से इतनी दूर यहाँ बनेगी। यानी कि फाइनली आपके पास आंसर क्या आएगा, ये वाला आंसर आएगा। कौन सा आंसर है बेटा, ए, तो आंसर आएगा ए। समझे कि नहीं समझे, समझ रहे हैं ना आप, बिल्कुल समझ के जाइए सर। न समझी, अरे बारह कहीं समझ में नहीं, क्या समझ में नहीं है बेटा, कागज वाला तरीका फिर अपनाओ। पहले यहां समझो इसको, एक बार फिर समझाता हूं। मैंने बताया था कि इसमें दो कट लगाने हैं आपको,
एक कट तो लगा रहा है आपको यहाँ पर और एक कट लगा रहा है आपको यहाँ। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? कहाँ लगा रहा था कट बताना? सही है, ये कोने में यहाँ लगा रहा था। अब इसको खोलना था बेटा, इसको खोलोगे तो जैसे इसको ऐसे करके यू खोलोगे तो तुम तो मेहंदी लगाती है, तुम लोगों को तो ज्यादा अच्छा आना चाहिए लड़कों से ज्यादा। हाँ मैं भी मेहंदी लगाता हूँ, हाथों में नहीं लगाता बस, पर लगाता हूँ। हाँ माता पर कहीं लगाऊ मेहंदी? माता पर नहीं, जो लड़का लड़की होते हैं उनके हाथों पे लगाते हैं। तो इसको जस्ट डबल करेंगे तो ये बताओ, इसको कॉपी करूंगा तो ये लाइन यहाँ पे कॉपी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। ऐसे ही देखो, ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है इस उंगली पर है तो ये उंगली पर यहाँ चला जाएगा, यानी कि यहाँ से डबल हो जाएगा ऐसे। तो ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, समझ में आई कि नहीं? आगे अब इसको वापस ऐसे करके यूं कॉपी करो, जैसे इसको ऐसे करके यूं कॉपी करोगे तो ये जस्ट डबल हो जाएगा, साथ में सब ब्लैंक है, लेकिन सब जैसे ये डबल होगा तो देखो ये अंगूठे पर है ना, तो ये अंगूठे पर ही जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये अंगूठे पर आ जाएगा ऐसा। अब ऐसी फोटो कौन सी बनती है? पहली बारी कोशिश करना पड़ेगा सर, कागज वाला तरीका मैं सही नहीं मानता, बेस्ट है लेकिन सब जगह बेस्ट नहीं है, फेल हो जाएगा वो कई जगह पर। अभी आगे भी हम सॉल्व करेंगे, फेल हो जाएगा सर वहां पर। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कागज वाला तरीका बहुत फेल कर देगा, तो हम तो वो काम करें जो कोई तरीका फेल ही, मतलब कोई से भी सवाल में फेल ना हो, तो वो तरीका यही वाला है जो आपको मैं बता रहा तीन है बेटा। चलो इतना ही ठीक है, रीओपन करके देखें सर, बिल्कुल बिल्कुल 100% डी आएगा। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन लाइनों का अंतर है सर। यदि इसको रीओपन करोगे तो आपको वर्ग नहीं मिलेगा, समांतर चतुर्भुज मिलेगा, सम चतुर्भुज मिलेगा। अब सम चतुर्भुज कैसे मिलेगा वो आप समझ गए होंगे, तो उस तरीके से मिलेगा। सो आंसर आएगा इसका डी।
परफेक्ट आंसर। कॉपी में बनाते जाएं सर। सब उतार लिया। चलो बढ़ते हैं आगे, पहले देखते हैं इसका क्या होने वाला है। सो हमने बोला कि सर इसको रीओपन करो, तो इसको रीओपन करोगे तो ये पोर्शन जस्ट उसका कॉपी हो जाएगा, साथ में ये लाइन है कुछ इस तरह से कॉपी होंगी सर, समझ पा रहे हैं आप। और जैसे ही फिर इधर का पोर्शन रीओपन होगा तो उस कंडीशन में ये ऐसे कैसे कॉपी हो जाएंगे सर, और साथ में ये वाला अर्धगोला इधर कॉपी हो जाएगा, तो ऐसा आंसर ही कौन सा है, डी वाला। तो आंसर क्या होगा, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। चलो बेहतर। एक सवाल और लिखते हैं। ससुरी का कहा बतिया रहे हैं भाई, कोनो समस्या आ रहा हो तो ही बताइए। आ रहा है, कौन गुड़बक बोले भाई, बताइए कौन बोल दिए, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये इस कॉर्नर पर राइट का निशान लगा है छोटा सा, ओके। अब कागज मोड़ना काटना के अंदर राइट कैसे बनाओगे, कागज के अंदर बना पाओगे, नहीं बनेगा सर, तो वहां पर ये मेथड फेल हो जाता है। पर ये जो हमारा रीओपन करने वाला मेथड है ये यहाँ पर जिंदा रहता है, टाइगर अभी जिंदा है। Thank you.
सर प्लीज बात ना करिए यार, भाई साहब सवाल बनाने में जान निकलती है, ऐसे ही नहीं बन जाते हैं प्रश्न, तीन ऑप्शन गलत भी करने पड़ेंगे, तो जब प्रश्न बनाने में इतनी दिक्कत आ रही है तो सॉल्व करने में तो और आनी चाहिए सर, और तुम्हें नेतागिरी से फुर्सत नहीं है, बातें कर लो बस। ऐसा भी हो गया क्या? नहीं यार, राइट में क्या गलती है बेटा? सही पकड़े। अरे ससुरी का हम तो भूल ही गया। अरे भैया सही कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ससुरी का हम भूल गए, बिल्कुल बिल्कुल, क्षमा प्रार्थी है सर आप लोगों से। तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर, ऑप्शन बनाना भी इतना आसान नहीं है, और वो भी चट मांगनी पड़ गया, तो समय लगता है बॉस। अब आप लोग तो करते हो नेतागिरी, आओ कौन सी बड़ी बात है, अरे भाई जाग निकल जाता, हमारे में निकल जाते। Thank you.
फोटो बढ़िया से बनाना भाई, घर जाकर के जो यहाँ से किताब मिली हुई है उस किताब के प्रश्नों को सॉल्व कर लेना। अभी तो आप लोग इतने समझदार बच्चे हो, इतने ज्यादा समझदार हो कि मैंने कल कहा था कि सर कल जल दर्पण के क्वेश्चन कर लेना, ईमानदारी से कितने बच्चों ने किए, झूठ और बोलना भैंस की टांग वालों, देख लो 3 और 3 6 बच्चों ने सवाल किए सर, और फिर बाद में माथा पकड़ के रोते हो कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। जब आपसे पढ़ने को कहा जाता है तब कहां जाते हो आप लोग, कल चैप्टर पढ़ाया ताजा ताजा था, घर जाके करते तो सर बहुत सारे सवाल तो यूं ही निकल जाते, एक महीने बाद करोगे तो आधा दिमाग से तो वैसे ही उड़ जाएगा, अब तो वैसे ही नहीं हो रहे फिर आप लोगों से। और मैंने कहा भी था कि सर 150 क्वेश्चन कर लेना घर जा करके, अरे पर पढ़े कौन, मार साहब को जूते मार साहब पढ़े, हम क्यों पढ़े, मैं तुम्हारी तो अब नालायक भी तके में मुंह छुपा कर रोते, आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करती हो, आंख तो भरी होगी सही ना, क्या भाई आज घर जाके इसके सवाल कर लेना नालायकों, हाँ क्योंकि एक एक दिन के चैप्टर है, तो इसका मतलब ये नहीं सर आपको कुछ नहीं करा, ओ ये तो यू कर दे वे, अबे ढकनिया स्टेशन घर जाके किताब उठा फिर पढ़ पता लग जाएगा यू हो जाएंगे, ऐसे कैसे यू हो जाएंगे, बावली भूतों को कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए कह रहा हूँ कल छुट्टी पे चल जाना, जो ज्यादा पढ़ने वाले हैं, और जो बेचारे कम पढ़ते हैं ना कभी कभी, छह बच्चे भी जिन्होंने हाथ खड़े किए थे, ये मत जाना छुट्टी, इनको ज्यादा मेहनत करनी है भाई, कमजोर है ये, और जो पढ़ते नहीं ना घर जाकर के उनको तो आता है, वो क्यों पढ़ेंगे, वो छुट्टी कर लेना, और जो बेचारे 6 बच्चे थे ना वो जरूर आना सर, अच्छा टॉपिक है सर, छे नहीं पढ़ा दूंगा मर गई हो, मुझे कौन सा 6 को कान में जाके बोलना है, यहाँ खड़ा होके बोलूंगा सुन लेंगे 6 के 6 किसको, गधे वो गधों को पढ़ाने से बढ़िया है इंसानों को पढ़ाऊं, हैं तो साथ में गधियां और बैठिया है तो थोड़ी और टेंशन हो जाती है, समझ रहे हैं आप, अब देख लेना तू क्या समझती है अपने आप को, यदि कल आती है क्लास में तो इंसान है और नहीं आती तो देश देश, मैं तो कुछ बोला ही नहीं भाई, घर जाकर के आईने में एक बार वो देखना तस्वीर अपनी, बताओ क्या होगा, क्या होगा, चलो रहेंगे हटो, एक सवाल और करते, सुभद्रा बेटा बुरा मत मानना कभी भी, मजाक की बात चलती सी भी है, ये लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुश रहना बेटा जी, हाँ एक तो नाराज हो गया सर, नाराज होता ना बस, आपको पता है मैं किसी और की बेइज्जती करने से पहले खुद की बेइज्जती करता हूँ सर, मुझ में इज्जत लाए गई क्या, और सुनील नाम के तो वैसे गधे होते, वो तो मुस्कुरा रहा है ना, अब वो तो वही सोच रहा होगा कहाँ सुनील नाम रख दिया मेरे बाबूजी ने, अरे पछताओ हमारा बाबूजी आते हैं पछता रहा कि नालायक मेरे पैदा होने था, गई मेरी पत्नी रोती अपने कर्म कोड़ती बेचारी कि यो ही गढ़ मिले जो गए, वो तो कह देती ऑप्शन नहीं था मेरे पास, नहीं तो सिस्टम कुछ और ही होता, कोई बात नहीं क्या करें यार, हम्म
बेटा पीछे तक दिख रहा है कितनी लाइन है बेटा? वेरी गुड। छोरी तुम उठा बार पाओ तुम कम बोलवा कर तू।